राइटोंजा पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा सलाखों के पीछे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी थाना एटौंजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनौगा के मजरा तिलकपुर में हत्या करने वाले आरोपियों को थाना एटौंजा पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक हरदेश कुमार जनपद लखनऊ ग्रामीण के निर्देश में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी बीकेटी हरदेश कठेरिया के परिवेक्षण में व थाना अध्यक्ष एटौंजा जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान जनपद लखनऊ ग्रामीण के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण कार्यवाही का विवरण निम्नवत है। थाना एटौंजा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा संख्या 12/20/21 धारा 302 में वांछित दो नफर अभियुक्त राहुल उर्फ भानुपुत्र रामगोपाल निवासी तिलकपुर मजरा बनौगा थाना एटौंजा जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्षीय रोली मिश्रा पुत्री अनिल मिश्रा निवासी ग्राम तिलकपुर मजरा बनौगा थाना एटौंजा जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्षीय जिसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। थाना एटौंजा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, हत्या करने वाले आरोपियों को थाना एटौंजा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। नाम व पता राहुल उर्फ भानु पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम तिलकपुर मजरा बनौगा थाना एटौंजा जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्षीय रोली मिश्रा पुत्री अनिल मिश्रा निवासी ग्राम तिलकपुर मजरा बनौगा थाना एटौंजा जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्षीय जिनको थाना एटौंजा पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से हत्या करने वाले आरोपियों को थाना एटौंजा पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे। अनिल मिश्रा जो तिलकपुर बनौगा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तथा अपनी सर्विलांस टीम को भी इसमें अनावरण हेतु लगाया गया। इन सारी चीज़ों से यह बात प्रकाश में आई कि मृतका की पुत्री का संबंध गांव के ही किसी युवक से है और उससे रात्रि में जिस रात्रि घटना है लगभग 1 बजे के करीब उसकी कॉल हुई थी। इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए पता किया गया कि कौन व्यक्ति है वह लड़की की गिरफ्तारी की गई, लड़की से पूछताछ की गई। लड़की के द्वारा बताया गया अपने प्रेमी का नाम, उस प्रेमी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों लोगों का चालान 302 ICC में किया जा रहा है। इतना शीघ्र लगभग 24 घंटे के भीतर इसका अनावरण करके दोनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एटौंजा पुलिस के द्वारा की गई है सर्विलांस टीम की मदद से। इसके लिए एटौंजा पुलिस को यथोचित पुरस्कार राशि मेरे द्वारा प्रदान की जाएगी। और कोरोना काल में इतना तेज़ी से कार्य करते हुए, पूछताछ करते हुए सब चीज़ों पर पाना ये अवश्य सराहनीय कार्य है। मैं चाहूँगा कि हमारे ये सारे कर्मी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा को तथा कोरोना की गाइडलाइंस को पालन कराने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। सर, घटना प्रेम संबंधों के चलते हुई? हाँ, घटना प्रेम संबंधों के कारण ही हुई। चुनावी रंजिश का कोई मतलब नहीं? चुनावी रंजिश का तो कोई औचित्य भी नहीं है इसमें, और जो वादी है उसके द्वारा भी ऐसी कोई बात ही नहीं बताई गई। जी, बिल्कुल घटना स्पष्ट है, शीशे की तरह साफ है। सर, ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। सर, इन लोगों ने मारने में क्या कोई औजार भी प्रयोग किया है? नहीं, हाथ से गला दबाया जी। ठीक है सर।